गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वृत्त चैप्टर में थ्योरम तीन बताने जा रहा हूँ। थ्योरम तीन क्या है? किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। वृत्त की जो जीवा है वो हमको सिद्ध करनी है कि वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये वृत्त बना लीजिए। ये एक मैंने वृत्त बना लिया, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती है। तो एक जीवा मैंने ये ड्रॉ कर ली और एक जीवा मैंने ये ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दिया ए, बी, सी एंड डी, और ये वृत्त का केंद्र है, इसको नाम दे दिया मैं हमने ओ। ठीक है, आप देखिए हमको ये दिखाना है कि इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी और इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी, ये दोनों कैसी होती है? बराबर होती है। तो हमने इसके लिए क्या किया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला है और इसको नाम दिया है हमने एम, और वृत्त के केंद्र से इधर वाली जीवा पे एक लंब डाला है, इसका नाम दिया है हमने एन। तो स्टूडेंट्स, फिगर सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया है, वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाला है, वो है एम, और वृत्त के केंद्र से दूसरी जीवा पे जो लंब डाला है उसका नाम है एन। अब लंब हमने क्यों डाला है ये हम आगे बताएंगे। अब एक कंस्ट्रक्शन करिए, इस वृत्त के केंद्र से इसको मिलाइए और इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा के शीर्ष को मिलाइए। तो देखिए, वृत्त के केंद्र से मैंने दोनों जीवाओं के शीर्षों को ये और ये मिला दिया, तो मेरा अभीष्ट फिगर ये तैयार है। अब हमको एक बात पता है कि वृत्त में अगर हमको इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है तो हम इसको सर्वांशम के तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वांशम में दो त्रिभुजों का होना जरूरी होता है। तो देखिए, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, यानी ए एम ओ और डी एन ओ, दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं। दोनों में हमको कोण एम और कोण एन 90 डिग्री दिख रहा है क्योंकि लंब डाला है। ओ ए और सी डी ये हमारी बराबर दिख रही है क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। केवल एक और किसी तरीके से भुजा मेरी बराबर हो जाए या कोण मेरा बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज अपने आप सर्वांशम सिद्ध हो जाएंगे। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो हम ओ एन बराबर ओ एन कर देंगे। तो ये मैंने ओरली सॉल्व कर लिया इसको, क्योंकि किसी भी सम्स को करने के पहले या किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हमें इसको ओरली कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो अब देखिए, हमारा बेसिकली काम है, हमको ये तो पता है कि ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर है, कोण एम और कोण एन दोनों आपस में बराबर है क्योंकि हमने लंब डाला था, दोनों 90 डिग्री के हैं। बस किसी तरीके से हम ए एम और डी एन को आपस में बराबर कर ले तो मेरा ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा, काम हमारा बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, सबसे पहले हमको दिया है वृत्त की समान जीवाएं, यानी जीवा ए बी जो है वो बराबर है डी सी। ठीक है, दूसरा अब हमको क्या करना है, इस पे रचना, रचना हमने क्या की है, इस पे वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी पे लंब डाला है जो कि एम है, और वृत्त के केंद्र ओ से जीवा सी डी पे लंब डाला है जो कि एन है। तो हम लिख देंगे वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब ओ एम तथा सी डी पर लंब ओ एन खींचा। ठीक है,
ये दो हमने अपने मन से लंब खींचे हैं। अच्छा अब देखिए, अब हम सबको स्टार्ट करेंगे उपपत्ति। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग जब करी थी तो बताया था कि केंद्र से जीवा एबी पर लंब एम और सीडी पर लंब एन डालिए। लंब क्यों डालेंगे ये अब हम आपको बता रहे हैं कि याद रखिए, हमने इससे पहले अपनी थ्योरम्स में पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। हमने प्रमेय क्या पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमको ये पता है कि ये जो लंब है इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। उपपत्ति हम लिख देंगे, हम जानते हैं प्रमेय के अनुसार क्या कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये मेरी प्रमेय है, ये मैंने लिख के दिया है प्रमेय के अनुसार, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। यानी अगर ये M बिंदु इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब M जो हो गया इस AB का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो M हो गया इस पूरी रेखा का मध्य बिंदु हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः AM बराबर एक बटे दो AB। ठीक, इसी प्रकार इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, इसी प्रकार इस जीवा के लिए n मध्य बिंदु का कार्य करेगा क्योंकि ये भी लंब डाला गया है। तो इसी प्रकार ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे दो बीस। इसको समीकरण बोलते हैं। देखिए समीकरण एक और दो में देखिए ए बी और डी सी आपस में कैसे हैं, बराबर है क्योंकि ये मेरी चीज डी है। तो हम जब मेरे ए बी और डी सी आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो हम ये लिख सकते हैं इसी कंडीशन में क्या कि चूंकि ए बी बराबर डीसी, अब दोनों पक्षों में दो से भाग दे दीजिए तो 1/2 AB बराबर 1/2 DC। ठीक है, अब देखिए 1/2 AB का मान क्या दे रखा है, AM, तो 1/2 AB की जगह हमने क्या लिख लिया AM, और 1/2 DC का मान क्या दे रखा है OL, तो 1/DC की जगह मैंने क्या लिख दिया। ठीक, ये हमने भाग क्यों दिया, जिससे आपको ये और ये पद आराम से मिल जाए और आप लोग इसको समझ सको। ठीक है, यहां ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा दिया है, तो आप लोग इसको दिया है में सर्च कर लेंगे कि ऐसा दिया है कि नहीं। तो देखिए देखिए ओ एम बराबर ओ एन आ गया। अब हमारा काम खत्म, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम को तथा त्रिभुज डी एन ओ में। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुजों में जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ओ ए बराबर ओ डी। क्यों,
त्रिज्याएं हैं, इसकी एक ही वृत्त की। दूसरा हमारा कोण M बराबर कोण N, क्यों 90 डिग्री है, हमने लंब डाला था। तीसरा AM बराबर ON, क्यों ये हमने अभी सिद्ध किया है। हाँ स्टूडेंट्स आ रही, आप देखिए AM बराबर ओपन आ गया आपका। देखिए तीन चीजें मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज AMO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी समांतर हो गया त्रिभुज किसके BNO के, किसलिए भुजा कोण और भुजा इसकी सर्वांगसमता की वजह से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए सर्वांगसम। और जब त्रिभुज आपस में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, एम ओ बराबर ओ एन, क्यों ये इसी त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। और हमको पता है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो हम उनके कोण और भुजाओं को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो MO बराबर OL लिख दिया और यहां क्या लिख दिया बाय CP CTC, एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमको लाना था कि देखिए कि वृत्त की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो देखिए वृत्त की जीवा ये है और ये वृत्त का केंद्र है OM और ये वृत्त का केंद्र है ON, इससे हमारी ये दो जीवाएं कैसी हैं समान दूरी पर स्थित हैं, क्योंकि OM बराबर ON आ गया, इसका मतलब जितनी दूरी इस जीवा की केंद्र से है उतनी दूरी इस जीवा की भी केंद्र से है। तो ये हमारा एंड प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थ्योरम थर्ड थी, बस इसमें टिपिकल पोर्शन क्या था कि हमको AM और DN को बराबर करना था, इसीलिए हमको थोड़ा सा पहले वाली प्रमेय का यूज करना पड़ा। बाकी कॉन्ग्रेंसी एज इट इज सेम फॉलो हुई है, जैसी कि लास्ट टू थ्योरम से फॉलो कराई है हमने, आगे भी हम कॉन्ग्रेंसी के थ्रू ही आपको सम्स कराएंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सर्कल्स की जो थ्योरम्स है वो कॉन्ग्रेंसी से ही आप प्रूव कर लें। तो एक ही वे से अगर आप प्रूव करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, आप लोगों को थ्योरम्स को प्रॉपरली याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए और कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।